दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो टारगेट स्टडी आईक्यू के सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑन व्हील्स, इसको इंग्लिश में देखेंगे मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑन व्हील्स को किस राज्य के द्वारा दरवाजे पर पानी की जलीयता का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो देखो मोबाइल का मतलब होता है कि जो चलती फिरती कोई एक लैब है, वाटर टेस्टिंग लैब यानी कि वाटर को टेस्ट करने वाली एक चलती फिरती लेबोरेटरी है, इसको हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में एक पानी को टेस्ट करने वाली एक ऐसी चलती फिरती लेबोरेटरी है जो कि घर घर जाकर ये चेक कर सकती है कि आपके घर के पानी में की क्वालिटी क्या है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसका एक फ़ोटो देखेंगे। इसमें देखो लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट कम्स विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर वाटर टेस्टिंग, यानी कि पानी को टेस्ट करने के लिए हरियाणा सरकार एक नए तरीके का अनूठा, एक नया इनोवेशन तरीका लेकर आया है, जिसमें क्या होगा कि एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग व्हीकल होगा जिसमें कि घर घर जाकर वो पानी की टेस्टिंग कर सकता है। तो इस वैन को आप देख सकते हो, ये पूरा एक वैन है जिसको तैयार किया गया है, जिसमें पानी के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार की चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। इसका उद्घाटन करते हुए खट्टर साहब का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करी जाएंगी, पानी का पीएच लेवल क्या है। होता है कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि रिमोट एरियाज़ में पानी की क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिलती है, तो उस केस में पानी का पीएच चेक किया जाएगा। इसके अंदर एल्कलिनिटी यानी कि इसकी क्षारकता कितनी है वो देखा जाएगा। इसमें TDS टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन ये कितना है वो देखा जाएगा। इसकी हार्डनेस कितनी है, इसके अंदर क्लोरीन कितना है, जिंक कितना, नाइट्रेट कितना, फ्लोराइड कितना है, माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्ट भी इसका कंडक्ट किया जाएगा। यानी कि पीने वाला जो पानी होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी तो नहीं आ रही है, ये चलते फिरते इस गाड़ी में चेक किया जाएगा। तो ये सब कहां पर किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में ये सब किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक स्टैटिक जीके भी हम लोग जान लेते हैं कि पानी जो हमारा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि जो हमारा वाटर होता है वो या तो आपका सॉफ्ट वाटर होगा या तो आपका हार्ड वाटर होगा। दो तरीके का पानी होता है। जो सॉफ्ट वाटर होता है ये हमारे घरों में अवेलेबल होता है आसानी से। जो हार्ड वाटर होता है ये कहीं कहीं एरियाज़ में आपको मिलता है। जैसे आप कभी भी मथुरा या मथुरा एरिया में जाएंगे तो वहाँ का पानी बहुत हार्ड पानी है। ठीक है, ये जो सॉफ्ट वाटर होता है इसमें साबुन का झाग आसानी से उत्पन्न हो जाता है, जबकि ये जो हार्ड वाटर होता है इसमें जब आप साबुन से नहाओगे या कपड़े धुलोगे तो आपको झाग नहीं देखने को मिलेगा, इसमें मोटे मोटे परत के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो हार्ड वाटर होता है इसमें दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कि इसकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है, और ठीक है तो इसकी क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है ये इसकी एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक होती है इसकी परमानेंट हार्डनेस। तो हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। सॉफ्ट वाटर का डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में हम लोग चलते हैं हार्ड वाटर। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस वजह से पानी में ऐसा क्या मिला होता है जिसकी वजह से हार्ड वाटर माना जाता है। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति के कारण इसको कठोर पानी के रूप में जाना जाता है, और इसमें साबुन से झाग नहीं बनता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपके पानी में PPM बढ़ता जाएगा इसमें इसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी। तो इसको मैंने आपको बताया था कि एक इसकी कैटेगरी है टेम्परेरी हार्डनेस। तो किसी भी वाटर में जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कौन से एलिमेंट्स की वजह से होती है, ये SSC और रेलवे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स मिले होते हैं। क्या मिला होता है, टेम्परेरी हार्डनेस वाले पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स मिले होते हैं, और ऐसे पानी को उबाल कर पीने से इसकी टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो ख़त्म की जा सकती है। लेकिन एक दूसरा पानी होता है जिसमें परमानेंट हार्डनेस पाई जाती है, और जो ये परमानेंट हार्डनेस होती है इसको
पानी उबालकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ किसी भी वाटर में परमानेंट हार्डनेस जो है ये किस वजह से होती है, तो आंसर हो जाएगा ये जो परमानेंट हार्डनेस है ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के घुलनशील जो लवण होते हैं उनके क्लोराइड और सल्फाइड के रूप में उपस्थित होने की वजह से पाई जाती है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 3 महीने के करंट अफेयर्स पर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि जून जुलाई और अगस्त के महीने पर ऑफ़र चल रहा है। साथ ही साथ में जो सितंबर महीने का PDF है उस पर भी डिस्काउंट पहले ही दिन से लगा दिया है, वो मात्र 35 रुपीज़ का है, लेकिन वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दे रखे हैं जहाँ से आप जून जुलाई और अगस्त का PDF मात्र 100 रुपीज़ में ले सकते हैं और सितंबर महीने का PDF मात्र 35 रुपीज़ में ले सकते हैं। और ये चीज़ आपको पता होगा कि हमारा करंट अफेयर्स बहुत ही चुनिंदा तरीके से चुन चुन कर बनाया जाता है, जिसमें कि टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के नीचे एक फ़ोटो होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पढ़ने में और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा, PM मोदी ने हाल ही में देह विचवा करनी नामक एक आत्मकथा का विमोचन किया है जो कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा बाला साहेब वीखे पाटिल। तो ये वाला साहेब वीखे पाटिल हैं, इनकी आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचन PM मोदी जी के द्वारा किया गया था, जिस आत्मकथा का नाम है दे विचवा करनी नाम से इस आत्मकथा को लॉन्च किया गया है, जो कि बाला साहेब वीखे पाटिल की आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाला साहब वीखे पाटिल को, जिनकी आत्मकथा का विमोचन मोदी जी ने हाल ही में किया है। लिखा है PM मोदी रिलीजेस ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर बाला साहेब वीखे पाटिल, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी कि मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इसमें हम लोग वर्ष 2020 के थीम की बात करी जाए तो वर्ष 2020 की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ कुछ GK पढ़ लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को UK में करी गई थी। इस समय इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, तो एंड्री नजोरोगे इसके अध्यक्ष का नाम है। माइंड में हल्का सा बिठा लो, अगर अचानक से कभी पूछ लिया जाए तो आंसर कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको रटना होता है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं आपको बार बार जब चीज़ों को रिवाइज करवाऊँगा तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद में एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने एक कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सिस एस ACES क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड जो है हाल ही में लॉन्च किया है गूगल पे कंपनी के साथ में मिलकर, एक विशेष प्रकार की सुविधा के साथ में इन कार्ड्स को लॉन्च किया गया है। इसमें आप देख सकते हो ये वो कार्ड है, देखो इसमें लिखा भी है एक्सिस बैंक की तरफ से इस कार्ड को लॉन्च किया गया है, गूगल पे के साथ में लॉन्च किया गया है। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट पर इसका आंसर आपको सिर्फ गूगल पे दिखेगा, अगर ऑप्शन में इसमें वीज़ा भी लिखा है तो आंसर हो जाएगा गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने इस कार्ड को लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपको पूरा समझना है, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस में इस तरीके से न्यूज़ निकली थी कि एक्सिस बैंक लॉन्चेस एस क्रेडिट कार्ड इन कोलेबरेशन विद गूगल पे एंड वीज़ा, दोनों के साथ में कोलेबरेशन के साथ में इस कार्ड को लॉन्च किया गया है।
एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इस समय इसके जो MD और CEO है उनका नाम है अमिताभ चौधरी, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि फेल्यूडा पेपर स्ट्रिप परीक्षण निम्नलिखित में से किस बीमारी के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COVID-19। यानी कि COVID-19 को जल्दी ही भारत में एक नए तरीके का परीक्षण की मंजूरी मिल सकती है। इसमें एक फेल्यूडा नाम का एक पेपर स्ट्रिप होता है, उसके माध्यम से ही COVID-19 का जो चेकअप है वो किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेल्यूडा पेपर स्ट्रिप को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा COVID-19 को चेक करने के लिए। देखो इसमें लिखा है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनाउंस किया है कि फास्टर यानी कि पहले से तेज, चीपर पहले से सस्ता फेल्यूडा COVID-19 टेस्ट एक्सपेक्टेड इन फ्यू वीक्स सेज वर्धन। ठीक है, इसमें एक 500 रुपये में फेल्यूडा टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें कि स्ट्रिप के माध्यम से इसको हम लोग चेक करेंगे। अब ये फेल्यूडा क्या है इसका फुल फॉर्म देखेंगे। देखो फेल्यूडा F ये रहा, E ये रहा, L ये रहा, U ये रहा और D ये और A, इन सभी शब्दों से मिलकर बना है फेल्यूडा, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा FNCAS9 एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन असे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस फेल्यूडा स्ट्रिप टेस्ट को जिसको सॉर्स वायरस, कोरोना वायरस को सॉर्स वायरस भी बोलते हैं, SRS फैमिली का CoV2, इसको CSIR IGIB इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है इस टेस्ट को। इसमें CSIR तो आप लोग जानते हैं, IGIB का मतलब हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इसके द्वारा इस फेल्यूडा पेपर स्ट्रिप को बनाया गया है, जिसको हाल ही में कमर्शियल यूज़ के लिए सहमति प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों टारगेट स्टडी है, क्योंकि अगले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस राज्य ने पहली बार किसानों के विकास के लिए एक वेलफेयर फंड बोर्ड की स्थापना की घोषणा करी है। उससे पहले दोस्तों आप लोग अगर जितना भी प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके, अगर एक एक स्टूडेंट हमारा दुगनी काम करेगा, दुगनी मेहनत करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेगा, तो हमारे वीडियोस को और ज़्यादा प्यार मिलेगा आपके द्वारा। तो भारत के किस राज्य ने पहली बार किसानों के लिए वेलफेयर फंड बोर्ड की स्थापना करी है? तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि भारत में पहली बार इस तरीके का एक बोर्ड बनाया गया है जो कि किसानों के वेलफेयर के लिए बनाया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं केरला के CM ने अनाउंस किया है, गुड न्यूज़, केरला फॉर्म्स वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर फार्मर्स। तो पहली बार किसी राज्य ने किसानों के लिए एक वेलफेयर फंड बोर्ड की स्थापना करी है जो किसानों के हित के लिए काम करेगा, बुरे वक्त पर उनको पेंशन देगा अगर उनकी फसल बर्बाद होती है, या फिर वो ऐसे किसान जो कि किसानी नहीं कर पाते हैं कुछ शरीर में दिक्कत की वजह से, उनको आज यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ पैसे की मदद भी करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट सूचकांक 2020 पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की रैंकिंग के अनुसार न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना है, इस लिस्ट में इसको पहले स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग पिछले साल की बात करी जाए तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का पासपोर्ट आप देख सकते हैं जो कि पहले स्थान पर आया है। अगर हम लोग पिछले साल की बात करी जाए तो अभी तक जापान का पासपोर्ट पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार जापान एक स्थान फिसलकर दूसरे स्थान पर पहुँच गया है, न्यूजीलैंड इस लिस्ट में पहले स्थान पर पहुँच गया है। पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा, भारत इस लिस्ट में 58वें स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 58, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो पासपोर्ट है इससे 18 देशों में वीज़ा मुक्त यानी कि बिना वीज़ा के आप 18 देशों में जा सकते हैं, 34 देशों में
वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है, यानी कि पहले आप उस देश में पहुंच जाइए और वहीं पर जाकर आप वीज़ा बनवा सकते हैं। और 146 ऐसे देश हैं जहां पर आप वीज़ा आर रिक्वायर्ड इन एडवांस, यानी कि जहां पर पहले आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा, जब आपका वीज़ा बन जाएगा तभी आप उन देशों में जा सकते हैं। तो इन सभी डेटाओं का इस्तेमाल किया जाता है इस चेक करने के लिए कि कौन सा देश कौन से रैंकिंग पर रखा जाएगा। तो इन सभी के बेस पर ही भारत को 58वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त हुई है। दोस्तों, आप सभी लोग बास्केटबॉल गेम को बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो एक क्वेश्चन बना है, किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, जिसको हम लोग NBA के नाम से आपने सुना होगा, NBA चैम्पियनशिप 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो एक टीम है जिसका नाम है यहाँ पर लॉस एंजलिस लेकर्स। तो लॉस एंजलिस लेकर्स ने NBA की इस चैम्पियनशिप को जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आपने देखा होगा NBA 2020 फाइनल्स, और यहाँ पर इस टीम को देख सकते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रही है, और यहाँ पर लिखा है NBA फाइनल्स 2020 लॉस एंजल्स लेकर्स रीडिस्कवर एक्सपेक्टेशन विथ 17th टाइटल विन। तो 17वीं बार इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है। हाल ही में किसे ICICI सिक्योरिटीज़ के मुख्य प्रौद्योगिकी और डिजिटल अधिकारी, यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा सुभाष केलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सुभाष केलकर को ICICI बैंक में चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। सुभाष केलकर का फोटो भी आप यहाँ पर मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, जिनको इस पोजीशन पर बिठाया गया है। चूँकि ICICI बैंक इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके चेयरमैन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD एंड CEO का नाम है संदीप बागची। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, हमें आपकी ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र यानी कि पब्लिक एजुकेशन सेक्टर को पूरा डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, लेकिन भारत के एक पड़ोसी देश मालदीव में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट में क्या है कि मालदीव की जो कैपिटल है, सबसे पहले मालदीव की लोकेशन क्या है वो देख लो मैप में। तो आप इंडिया का नीचे वाला ये जो हिस्सा देखेंगे, उसके बाद में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये एक आइलैंड देश है जिसको मालदीव के नाम से जाना जाता है। मालदीव देश की कैपिटल है माले, जो कि यहाँ पर स्थित है। अगर इसी मैप को, इस वाले को अगर हम लोग जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से इसका फैलाव आपको दिखेगा। तो यहाँ पर समझना हमें ये है कि ये जो देश है मालदीव, छोटा सा आइलैंड देश है मालदीव, जिसकी कैपिटल है माले, तो ये मालदीव देश जो है ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। जैसे कि एक आइलैंड आप ये देख सकते हैं, दूसरा ये रहा छोटा सा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो ये अलग अलग टुकड़ों में, ये जो आप मालदीव देश को देख रहे हैं, तो ये जो नया प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में क्या है कि माले को, यानी कि इसकी कैपिटल को इस वाले आइलैंड से, उसके बाद में इस दूसरे वाले से, और तीसरा, यानी कि ये तीनों आइलैंड्स को आपस में जोड़ने को एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद क्या होगा कि बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी और ये माले से पूरे अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी कनेक्टिविटी का ये जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, इसके लिए भारत ने कुछ पैसा लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया है, जिसका वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये कितना अमाउंट भारत ने मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया है, इसको लेकर बना है आज का पहला प्रश्न। तो बहुत ही ध्यान से समझदा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का एक नाम दिया गया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के LOC यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 400 मिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन के प्रोजेक्ट पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आप इमेज के साथ में देख सकते हैं, लिखा है एक्सिम बैंक एक्सटेंड्स $400 मिलियन सॉफ्ट लोन टू मालदीव फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। यानी कि एक्सिम भारत की तरफ से इस समझौते को देखो कौन सी बैंक ने किया है। जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है ये भारत की किसी बैंक के द्वारा उस देश को यानी कि मालदीव को दी गई होगी। तो यहाँ पर लिखा है ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है इसको भारत के एक्सिम बैंक के द्वारा मालदीव के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो एक्सिम बैंक का यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा और दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इंडिया और मालदीव के बीच में इस प्रोजेक्ट को हाल ही में साइन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के हिसाब से। अब इसके रिगार्डिंग देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला तो ये है कि $400 मिलियन का प्रोजेक्ट है, आपसे एग्जाम में पूछे सीधे आप इस पर टिक कर दोगे, लेकिन कभी कभी ये चीज़ आपको करोड़ में भी पूछ ली जाती है। तो 2932 करोड़ रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से कौन सी बैंक इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी, तो आंसर हो जाएगा भारत का एक्सिम बैंक इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी। तो एक्सिम बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इसमें मालदीव के कौन से 3 आइलैंड्स को माले से कनेक्ट किया जाएगा, तो पहला जो आइलैंड है उसका नाम है विलिंगली पहला है, दूसरा है गुल हिफलू और तीसरा है थिलाफुसी। ठीक है, आप हल्का बहुत दिमाग में बिठा सकते हो इनका नाम, अगर PCS वगैरह में पूछा जाए तो आप इसमें टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 आइलैंड है जिसको मैंने आपको शो भी कर रखा है यहाँ पर। ये देखो विलिंगली, पहला तो विलिंगली है, दूसरा है गुल हिफाऊ और तीसरा है थिलाफुसी। इन तीनों को कनेक्ट किया जाएगा माले से। तो यहाँ पर आप इनका तीनों का नाम भी देख सकते हैं और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। चूँकि मालदीव की यहाँ पर डिस्कशन हुआ है तो मालदीव के बारे में समझते हैं। प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार, इसको अच्छे से याद रखना, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह कहाँ के प्रेसिडेंट है मालदीव के। इसकी कैपिटल क्या है, माले। करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया, ये इसकी करेंसी है, आपको याद रखनी है। दोस्तों चाहे UPPCS का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC CHSL का एग्ज़ाम हो, हमारे PDF से आपको लगभग सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिल जा रहे हैं। UPPCS में सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चंस मिले गए थे और CHSL जैसे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स तो छोड़ो, स्टैटिक GK भी हमारी PDF से ही आपको एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक ऑफ़र चला दिया है नया, जिसमें कि पिछले 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने पर ऑफ़र लगा दिया गया है। इसमें आप पिछले 3 महीने का ये जो PDF है ये आपको मात्र 100 रुपीज़ में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो ऑफ़र है लिमिटेड समय के लिए है। अगर आप करंट अफेयर्स लेने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि मेरा करंट अफेयर्स किस तरीके का होता है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जल्दी इसको आप ले सकते हैं। मेरा नंबर भी है, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा कि 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 16 अक्टूबर 2020 को इसके 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा FAO, जिसका नाम होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसको बोलते हैं खाद्य और कृषि संगठन। इसके हाल ही में स्थापना के 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75 ईयर्स हो चुके हैं 16 अक्टूबर 2020 को। तो इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है FAO 75, यानी कि इसके 75 ईयर हो गए हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2020, ये क्या लिखा है, वर्ल्ड फूड डे क्यों लिखा है। इसका मतलब साफ़ है कि ये जो FAO का जो स्थापना दिवस होता है उसी दिन
वर्ल्ड फूड डे के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है, इस वजह से इसके ही स्थापना दिवस को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें अगला प्रश्न बनेगा कि खाद्य और कृषि संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 रुपीज़ का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। चूँकि बिल्कुल साफ बात है, चूँकि अभी हाल ही में 75 साल पूरे हो चुके हैं, इस वजह से भारत और FAO के बीच में रिलेशन को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 रुपीज़ का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड फूड डे, यानी कि उसी दिन वर्ल्ड फूड डे भी है। PM टू रिलीज रुपीज 75 क्वाइन टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO, यानी कि FAO की 75वीं जो एनिवर्सरी भी है। मोदी जी ने 75 रुपए का क्वाइन भी लॉन्च किया है और उसी दिन वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। तो 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको एक साथ याद रखनी है, ठीक है। तो दोनों का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा FAO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 45 में जब आप 75 ऐड करोगे तो 2020 आपको मिल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और इस समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है क्यो डोंग्यू, ठीक है, ये इनका नाम है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, जिसके रिगार्डिंग आप इसका एक इमेज भी देख सकते हैं। वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों जो टारगेट स्टडी IQ का ये जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, मात्र 20 मिनट में इतना पावर पैक करंट अफेयर्स जो आपको मिलता है, इसके लिए आप लोग कम से कम इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आपको एक घंटा आपका मैं वेस्ट नहीं करता हूं, मात्र 20 मिनट में पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ में आपको ये कंटेंट दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किस से प्राप्त 5,718 करोड़ रुपये की परियोजना, जिसका नाम है स्टार्स परियोजना, को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या था, जब अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर में सुधार करने के लिए एक नई परियोजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है स्टार्स परियोजना। तो ये जो स्टार्स परियोजना है ये किसकी मदद से शुरू करी गई है, इसको वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के साथ में मिलकर शुरू किया गया है, जिसमें क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक भारत को इस परियोजना यानी कि स्टार्स परियोजना के लिए 5,718 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रदान करेगा। तो इसमें आप इसके बारे में समझ गए। अब ये समझिए, इसमें देखो आप फोटो देखेंगे, लिखा है कैबिनेट अप्रूव्स स्टार्स स्कीम अंडर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत टू स्ट्रेंथन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। स्कूलों का एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको चलाएगी, और ये सब कुछ आप कॉमन सेंस के तरीके बता सकते हैं। जैसे कि आपको अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करें तो पहली चीज़ तो यही आपसे पूछी जा सकती है, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टार्स का फुल फॉर्म हो जाएगा S फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये स्टार्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। इस योजना को एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है घुमा फिराकर कि इस परियोजना को शुरुआत में कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है। तो इस परियोजना को 6 राज्यों में लॉन्च किया गया है। कौन कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा, इन 6 राज्यों में इस योजना को लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के
प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्दुल हमीद ने रेप यानी कि बलात्कार की अधिकतम सज़ा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको पता होगा जिस तरीके से भारत में कभी कभी रेप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी हाल ही में लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेप को लेकर। उस समय देश में जो रेप की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि बांग्लादेश अप्रूव्स डेथ पेनल्टी फॉर रेप आफ्टर प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसको वहाँ पर इस समय इसको मृत्युदंड कर दिया गया है। बांग्लादेश के बारे में बात करी जाए तो प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, कैपिटल है वहाँ की ढाका और करेंसी है वहाँ की टका। ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों अलग अलग देशों में आपको पता होगा हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस पूरे देश के बैंकों को रेगुलेट करता है। तो उसी को लेकर एक अवार्ड है जो कि सेंट्रल बैंक को दिया जाता है। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार समिति के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ घाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बैंक ऑफ घाना को हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है बैंक ऑफ घाना प्रेजेंटेड विद सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, ये उसको प्रदान किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं वहाँ के जो बैंक के जो मेन चीफ है उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पीछे देखो लिखा है बैंक ऑफ घाना। ठीक है, चूंकि घाना देश इस समय न्यूज़ में आ गया है इस वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, नाना अकूफो अड्डो। कैपिटल का नाम है आकरा, करेंसी का नाम है घानियन सेडी। ठीक है, इसको आप हल्का सा दिमाग में रख सकते हैं, अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो सुना सुनाया होगा तो आप उसको ठीक करके आंसर कर दोगे। साथ ही साथ में दोस्तों चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मैं इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, तो वहाँ पर आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा, स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सचिवों के पैनल के प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? देखो जो अलग अलग कंपनियों को स्पेक्ट्रम बांटे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो सरकार के द्वारा बांटे जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए या इस प्रोसेस को और अच्छा बनाया जा सके, इसको लेकर एक पैनल बनाया गया है सचिवों का। उस पैनल का जो प्रमुख है वो किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजीव गाउबा। तो राजीव गाउबा को हाल ही में इस पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका फोटो भी कि राजीव गाउबा पैनल टू सेट अप स्ट्रीम लाइन स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन को स्मूथ बनाने के लिए, उसको अच्छे से आवंटित करने के लिए राजीव गाउबा को इस पैनल का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विद्यार्थी दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, वो ये है कि हर साल क्या होता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर ही विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे टीचर थे तो उनकी रिमेम्बरेंस में ही हर साल APJ अब्दुल कलाम की जयंती को ही विश्व स्वास्थ्य छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 की अगर इस दिवस की थीम की बात करी जाए तो आंसर हो जाएगा लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये इसका थीम हो जाएगा।
डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में तो जाना ही जाता है, सभी को पता है, लेकिन ये एक बार प्रेसिडेंट का पद भी संभाल चुके हैं। सभी को पता होगा अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो आंसर हो जाएगा ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वैसे तो इनका पूरा लाइफ जो है बहुत ही नपातला और संतुलित रहा है, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट थे तब एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में चली थी कि इनकी आलोचना करी गई थी, जो प्रेसिडेंट के पास में किसी भी व्यक्ति को जब सज़ा मिलती है तो उसको माफ़ करने का जो अधिकार होता है उसी की आलोचना की गई थी। इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत किसी भी की भी व्यक्ति को दिए गए जो सज़ा होती है उसको क्षमा कर देने, मृत्युदंड देने और उसकी सज़ा को निलंबित करने का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 73 अनुच्छेद 73 के तहत 73 के तहत प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कोई दूसरा नहीं देगा, हमारे चैनल पर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे आपके स्टैटिक जीके भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक यूपी पीसीएस के लिए मैंने इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, केशवानंद भारती वाला मैंने जो क्वेश्चन करवाया था वो डिक्टो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। इसके बाद में है उड़ीसा के तट पर स्थित जो व्हीलर आइलैंड है उसका नाम 2015 में चेंज करके अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम जी के नाम पर 2015 में कर दिया गया था। दोस्तों चूंकि अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है उसके एग्ज़ाम पेपर को देख के कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके इम्पोर्टेंट गेम्स जो हैं नेशनल गेम्स उस पर एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक छोटी सी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दी है जिसमें कि आपको आपको याद रखना है, जैसे कि भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गेम है वो है कबड्डी, म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो है चिन लोन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये वाला जब PDF आपको दूंगा तो आप टेलीग्राम से जब इस PDF को डाउनलोड करोगे तो ये जो पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है इसको भी आप लोग रिवीजन कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सूजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर सुजल नहीं, इसको सुजल पढ़ेंगे, सुजल सुजल हिंदी में अगर देखें तो सुजल पढ़ेंगे। तो इस योजना को ओडिशा राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है, जिसमें क्या है जितना भी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन देने के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन नाम से इस योजना को ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है CM श्री नवीन पटनायक विल लॉन्च सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, ठीक है, इसको लॉन्च करेंगे और 13 अक्टूबर को इसको वहां पर लॉन्च किया गया है, जिसमें कि शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पीने का जो पानी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक और मैंने एफर्ट लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं उसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ में जो भारत की सीमा टच करती है इसके एग्ज़ाम बहुत पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन CHSL के एग्ज़ाम में मैं देख चुका हूँ, 1 क्वेश्चन PCS में पूछा गया था। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा भारत का जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, टोटल भारत के 9 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें कि 7 देश ऐसे हैं जो भारत से लैंड एरिया से जुड़े हुए हैं और 2 देश ऐसे हैं श्रीलंका और मालदीव जो कि वाटर कनेक्टिविटी के थ्रू भारत से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये जो पूरी लिस्ट है कौन कौन से देश हमसे जुड़े हुए हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, और ये जो देश हैं, ये जो अफ़गानिस्तान भारत से जुड़ा हुआ है, ये भारत के कौन कौन से स्टेट से अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं वो भी यहाँ पर लिख रखा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो देखो वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, तो ये सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से और भी लिस्ट है, जैसे कि भूटान किस से जुड़ा हुआ है,
चाइना से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, म्यांमार से, नेपाल से, तो ये सब कुछ है जिसको आप देख सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है जिसको आप डाउनलोड करके इनको याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट में जो जीके ट्रेंड में चल रहा है उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करी जाए तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। भारत से पहले चाइना और रूस ऐसे देश हैं जो कि तीसरे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है, तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर आता है। आई होप आपको आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और इस ऑसम कंटेंट के लिए दोस्तों एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। आपके सपोर्ट के बिना हम कंटेंट को ऐसे नहीं चला सकते। आप प्यार दीजिए, हम वीडियो को ऐसे ही बनाते रहेंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, पासपोर्ट सूचकांक 2020 में वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर आया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स पर अभी एक ऑफर लगा दिया गया है लिमिटेड समय के लिए, यानी कि आप पिछले 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर का एक सिंगल PDF हमसे परचेज कर सकते हैं, जिस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर ये जो PDF है आपको ₹150 में नहीं, डिस्काउंट लगाकर मात्र ₹100 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी इसको लेना चाहता है वो इसको ले सकता है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों कल के क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन है। जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमने पढ़ा है 15 अक्टूबर, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी में एक्सप्लेनेशन के तौर पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को ऐसे कौन से आर्टिकल में शक्तियाँ दी होती हैं जिसके तहत वो किसी भी अपराधी की जो मृत्युदंड है उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो ये आर्टिकल 73 मैंने यहाँ पर बताया है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है या निलंबित कर सकता है। तो ये आर्टिकल 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2019, यानी कि 2000 से लेकर 2019 तक की ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी करी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNDRR। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको UNDRR के नाम से जानते हैं, उसने ही एक रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है जिसका नाम है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000/2019। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा है डिजास्टर को लेकर ये रिपोर्ट है, यानी कि जो डिजास्टर आते हैं कौन से देश में कितने डिजास्टर आए हैं उसको लेकर ये अध्ययन करता है। और ये डिजास्टर का फोटो भी यहाँ पर आपको मैंने शो कर दिया है। तो ये सन 2000 से लेकर सन 2019 तक का 20 साल का ये जो डेटा है इसको पेश किया है यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने। यहाँ पर लिखा है इंडिया रिकॉर्डेड द 3rd highest नंबर ऑफ डिजास्टर्स इवेंट ऑन द पास्ट 20 ईयर्स, यानी कि पिछले 20 सालों की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया तीसरे स्थान पर आता है ऐसे देशों में जहां पर सबसे ज़्यादा डिजास्टर आए हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजास्टर आने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर लाई करता है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर में एक और क्वेश्चन मिल गया है, तो इस वाले पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें आपको समझना है कि इस रिपोर्ट को मैंने आपसे बताया कि UNDRR के द्वारा पब्लिश किया गया है। UNDRR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा पिछले 20 सालों में यानी कि सन 2000 से लेकर 2019 के बीच में एशिया में सबसे ज़्यादा आपदा घटना हुई है। एशिया में इस बीच में 3068 आपदाओं की घटनाओं को देखा गया है। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा घटनाओं वाले 3 देशों की बात करी जाए तो पहले स्थान पर आता है चाइना, जहां पर 577 घटनाएं हुई हैं। दूसरे स्थान पर आता है USA, जहां पर 467 घटनाएं हुई हैं। और तीसरे स्थान पर आता है इंडिया, जहाँ पर कुल मिलाकर 321 डिजास्टर आए हैं।
तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है UNDRR, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देखने के साथ साथ में करंट अफेयर्स को रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट पर डेली बेसिस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए ये जो करंट अफेयर्स है इसको अपडेट किया जाता है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक लिंक दे रखा होगा आज के करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, सारे पॉइंट वहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको अपनी वेबसाइट भी बता देता हूँ, targetstudyiq.com। तो पता नहीं आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं जाते हैं, इस वेबसाइट पर आपको सारा कंटेंट वहाँ पर दिया जाता है डेली बेसिस पर फ्री में। आप पूरा करंट अफेयर्स वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको वहाँ पर अपना नोट्स बना सकते हो, सारा आपको लिखा हुआ फॉर्मेट में आपको वहाँ पर करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है कि समुद्री इलाके में प्रदूषण नियंत्रण के मामले में इंटरनेशनल स्तर पर भारत कौन से स्थान पर आता है, यानी कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, कहाँ पर, कोस्टल एरियाज़ में, इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर आता है, यानी कि समुद्र के जो बीच होते हैं उनकी स्वच्छता को लेकर जो प्रयास होते हैं उस मामले में भारत तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है इंडिया रैंक्स थर्ड, किस चीज़ में, कोस्टल पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कोस्टल एरियाज़ में पॉल्यूशन के कंट्रोल करने में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। इसी वजह से इंडिया के 8 बीचेस को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। आपको ये बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, देखो लिखा भी है कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी ब्लू फ्लैग गोल्डन बीच, ये जो गोल्ड 8 ऐसे बीच हैं जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है। दोस्तों, अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको किसान रेल के बारे में बताया था कि किसान रेल को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि किसान अपने फलों और सब्जियों को इस ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आकर्षित करने के लिए वो क्योंकि वो इस ट्रेन का इस्तेमाल करें अपने माल की ढुलाई के लिए, अभी सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है। देखो ये इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50% सब्सिडी यहां पर किसानों को दी जाएगी। तो यहां पर देखो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो अपनी फलों और सब्जियों के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरकार इस पर पैसा खर्च कर रही है। अलग से अगर वो अलग से ट्रकों के माध्यम से अपना सामान भेजेंगे, ट्रेन से नहीं भेजेंगे, तो ये लॉस में जाने लगेगा। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है, किसानों को आकर्षित करने के लिए 50% की सब्सिडी दे दी है। और ये 50% की जो सब्सिडी दी है इसका मतलब यही है कि इससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान किसान रेल के माध्यम से भेजेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें देखो एक योजना है जिसका नाम है टॉप टू टोटल, यानी कि टॉप लेवल के जो फल होंगे और सब्जियां होंगी उससे लेकर जितनी भी फल और सब्जियां हैं सभी को इसमें ढुलाई की जा सकती है। इसमें देखो लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ किसान रेल गेट 50% सब्सिडी। तो 50% सब्सिडी यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो प्रोग्राम है ये ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन है कि भारत ने रक्षा सहयोग के तहत किस देश को अपनी एक पनडुब्बी जिसका नाम है INS सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा करी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, भारत ने क्या किया है कि भारत ने म्यांमार के साथ में एक रक्षा समझौता किया था जिसके तहत भारत ने
अपनी एक स्वदेशी अपनी एक INS सिंधुवीर नाम की एक पनडुब्बी है जो कि लीज पर म्यांमार देश को देने की घोषणा करी थी, उसको हाल ही में कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो लिखा है, ये आपको INS सिंधुवीर दिख रहा होगा जो कि एक भारत की पनडुब्बी है। इसमें लिखा है इंडिया टू डिलीवर सब मरीन INS सिंधुवीर टू म्यांमार नेवी इन द फर्स्ट। ठीक है, तो ये समझौता के तहत भारत मालदीव म्यांमार देश को देगा। म्यांमार की जो करेंसी है वो है कयात, कैपिटल है नए फिए फाई दो और प्रेसिडेंट का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। म्यांमार पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। म्यांमार ऑन वर्ल्ड मैप यहाँ पर आपको ये दिख रहा है म्यांमार जो कि पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, रेड कलर से आपको म्यांमार की लोकेशन भी दिख रही होगी। इस तरफ कहीं है मालदीव और म्यांमार यहाँ पर स्थित है। अगले शानदार क्वेश्चन में क्या है कि हाल ही में एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 नामक एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में कुल कितनी नई प्रजातियों की खोज की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 544, कुल मिलाकर 544 नई प्रजातियों की हाल ही में खोज की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आई हैं? देखो दो रिपोर्ट हैं यहाँ पर, पहली चीज़ तो एनिमल की खोज हुई है, दूसरी चीज़ है प्लांट की खोज हुई है। एनिमल और प्लांट दोनों मिलाकर 544 हैं। एनिमल वाली रिपोर्ट का नाम है एनिमल डिस्कवरीज 2019, डिस्कवरी मतलब खोज, और प्लांट वाली है प्लांट डिस्कवरीज 2019। तो 544 ये जो संख्या है इसमें आप देख सकते हो लिखा है ये वो स्पेसीज हैं जिसको हाल ही में पिछले साल खोजा गया है। 364 जो हैं ये तो एनिमल हैं, 180 जो हैं वो प्लांट की स्पेसीज हैं। तो ये दोनों मिलाकर हो जाता है 544। आप इसको जोड़ सकते हैं, 4 ये हो गया 4, 8 और 6 14, 4 हो गया 3 और 1 4 और ये 5। तो 544 ये पूरा नंबर होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन है कि भारत बौद्धिक संपदा रिपोर्ट के अनुसार किस यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा पेटेंट दाखिल करने के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा पेटेंट दाखिल करने के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें इसका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को हाल ही में सबसे ज़्यादा पेटेंट दाखिल करने के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लिखा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बैक्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया फॉर फिलिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिपोर्ट। अगर हम लोग एक लिस्ट देखें कि टॉप के तीन ऐसे इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटीज़ कौन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पेटेंट दाखिल किए हैं, तो पहले स्थान पर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर IITs की बात करें तो कोई एक IIT तो है नहीं, सभी IITs को मिलाकर देखें तो पहले स्थान पर आते हैं 557 पेटेंट। लेकिन अगर सिंगल एक यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो उसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पर आता है, जिसमें देखो और ओवरऑल कैटेगरी में ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तो 336 पेटेंट उसने किए हैं। और तीसरे स्थान पर है सुलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने, जिसने 185 पेटेंट किए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2020 के सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो आंसर हो जाएगा मार्क कॉर्नी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क कॉर्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कल एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था जिसमें कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, तो बैंक ऑफ घाना उसका राइट आंसर हुआ था। यहाँ पर है कि किस बैंक के गवर्नर ने इस अवार्ड को जीता है, सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर अवार्ड जीता है, तो आंसर हो जाएगा मार्क कॉर्नी। ये मार्क कॉर्नी कौन है? ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं जिन्होंने वर्ष 2020 के लिए सेंट्रल बैंक में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा
उससे पहले दोस्तों, आपके लिए इतना शानदार वीडियो मैं बनाता हूँ, इसके लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप प्यार देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर से दिया जा सकता है, जिसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस डे ऑफ द रूरल विमेन हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा, हर साल इसको 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन 2020। इसके अलावा वर्ष 2020 की ये जो दिवस है, इसकी थीम क्या है? ये है बिल्डिंग रूरल विमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ COVID-19। ये इसकी वर्ष 2020 की थीम हो जाएगी। दोस्तों अगला शानदार क्वेश्चन क्या है? मेडिकल जर्नल लेसेंट की पब्लिश एक स्टडी के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ष 2050 तक ये जो भारत है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसने बोला है? एक ये जनरल है जिसका नाम है लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार ये चीज़ें निकल कर आई हैं। तो आप देख सकते हो द लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2050, लैंसेट की रिपोर्ट में ये चीज़ निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इंडिया कौन से देश को पीछे छोड़कर इस मुकाम पर पहुंचेगा? तो इंडिया जापान को पीछे छोड़कर इस मुकाम पर पहुंचेगा। आगे चलते हैं। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय जिसका नाम था भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने किस कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो आंसर हो जाएगा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में उन्होंने ये ऑस्कर अवार्ड जीता था। आपको याद होगा कि जो पर्सन जो डेथ हो जाती है वो वाले क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं। अभी आपको पिछली बार याद होगा एक व्यक्ति थे जिनका मैंने क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और वो क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया था। आपको याद होगा केशवानंद भारती वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, केशवानंद भारती जिन्होंने संविधान का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको केरल सरकार और उनके बीच में केस हो गया था, वो चीज़ डिक्टो UPPCS एग्ज़ाम में पूछ ली गई थी। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से करवा रहा हूँ कि ऑस्कर जीतने वाले पहले जो भारतीय हैं, भानु अथैया जी का निधन हुआ है, वो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भानु अथैया फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड, जो कि 15 अक्टूबर 2020 को उनका देहांत हो गया है। तो ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है भानु अथैया, जिनका की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, पासपोर्ट सूचकांक 2020 में वैश्विक रैंकिंग में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का बना है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ में इस चैनल को बहुत प्यार की ज़रूरत है, इसके लिए वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, इसको वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि कल की डेट में जुलाई अगस्त और सितंबर पर जो मैंने PDF पर ऑफ़र लगाया था उसके लिए 2000 से ज़्यादा लोगों ने इस PDF को परचेज करके प्यार दिखाया है। अगर आपने अभी भी इसका PDF परचेज नहीं किया है तो आपको बताना चाहूँगा, अभी एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें कि आपको जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने का PDF ऑफ़र पर दिया जा रहा है। तो जल्दी से जाकर आप इसे भी परचेज कर लें, क्योंकि अब आपको हमारे करंट अफेयर्स के अलावा किसी भी अदर मैगज़ीन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना पढ़ के ही आप करंट अफेयर्स में बिल्कुल ही बेफिक्र हो सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे गारंटी के साथ में। दोस्तों आज का पहला प्रश्न बना है कि सेलो ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को सेलो ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर इसके लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, इसमें आप देख सकते हो सेलो कंपनी जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि केटल आती है,
इलेक्ट्रिक केटल हो गए या फिर किचन का बहुत सारा सामान ये बनाती है कंपनी, थर्मो वाली बॉटल भी बनाता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इसकी सारी रेंज जो है इसको प्रमोट करेंगे अमिताभ बच्चन। तो सेलो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। अब पिछले 2-3 महीनों में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। सबसे बड़ी आपकी कमी है, रिवीजन बराबर किया करो। एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो आंसर हो जाएगा कायरा एडवानी को बनाया है। साथ ही साथ में अभी हाल ही में लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मिंत्रा ने किसे अपना डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर हो जाएगा भुवन बाम को अपना डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा ने। इसके अलावा एस्बोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो ड्रैवन ब्रेवो को बनाया गया था। हाल ही में बजाज एलियंस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि प्लेयर्स पॉट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन अपॉइंट किया गया है, तो दो लोगों को बनाया गया है, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने किसे आईपीएल 2020 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था, तो आंसर हो जाएगा सेन वार्ड को किया था। इमामी कंपनी लिमिटेड ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो जूही चावला को बनाया था। आपको रिवीजन होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसे पेटीएम प्रथम खेलो पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, आंसर हो गया था सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके अलावा एक एडिटेक कंपनी है जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग, इसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया था। ये पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज करवाती है, ग्रेट लर्निंग इसका बनाया गया था। अमेजन ने अपनी एलेक्सा के लिए किस अभिनेता से उसका वॉइस देने के लिए करार किया है, तो अमिताभ बच्चन इसका राइट आंसर हो गया है। दोस्तों, हमें आगे ग्रो करने के लिए आपके प्यार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप चाहें तो अपना प्यार हमें अपने लाइक्स और शेयर के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो आपका प्यार देखने के लिए हम सभी लोग बेचैन हैं, हमारी पूरी टीम देखना चाहती है कि कितना आप हमको प्यार देना चाहते हैं। अक्टूबर 2020 में किस कंपनी ने वाटर टैक्सी सुविधा की पहली बार शुरुआत करी है, तो हाल ही में किस राज्य में, आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरला राज्य की पहली वाटर टैक्सी को हाल ही में शुरू कर दिया गया है, इसकी घोषणा वहां के मुख्यमंत्री ने करी है। तो इसमें आप इस वाटर टैक्सी का फोटो देख सकते हैं जिसमें कि एक बार में 10 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। लिखा है केरला सीएम पिनराई विजयन लॉन्चेस केरलास फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज इन अल्लापुझा। तो यहाँ पर अल्लापुझा नाम की जगह पर केरला के सीएम ने इस वाटर टैक्सी को चलाने के लिए हाल ही में घोषणा करी है, तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसको केरल के अल्लापुझा नाम की जगह पर शुरू किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य वर्ष 2023 तक राष्ट्रीय रग्बी टीमों यानी कि नेशनल रग्बी टीम्स को खिलाड़ियों का उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण और कंडीशनिंग की सुविधा प्रदान करेगा, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। देखो क्या आपको पूरा क्वेश्चन समझना है कि जो भारत की नेशनल रग्बी टीम है, नेशनल रग्बी टीम, तो इस नेशनल रग्बी टीम को उड़ीसा राज्य वर्ष 2023 तक इसकी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगा। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में जितना भी खर्चा आएगा वो सब उड़ीसा देगा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, उसको खाना पीना रहना सब कुछ जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाएगा।
तो इसमें आप देख सकते हो जो इंडिया का नेशनल रग्बी टीम है इसके लिए यहाँ पर एक ये करार हुआ है जिसमें कि देखो लिखा है ओडिशा टू स्पॉन्सर नेशनल रग्बी टीम टिल 2023। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी समझकर चलनी है कि प्रश्न पूछेगा कि कब तक करेगा, तो उड़ीसा जो है ये वर्ष 2023 तक इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उड़ीसा जो है ये वर्ष 2023 तक रग्बी नेशनल रग्बी टीम को इस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड तरीके से स्पॉन्सर करेगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिक्स 2021 किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये जो स्टैटिक्स है रिपोर्ट है इसको हाल ही में वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने जारी किया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक ने इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक्स 2021 की रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक्स 2021 को हाल ही में जारी किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि अर्ली सैलरी ने NPCI और रूपी के साथ मिलकर किस नाम से एक जीरो टच डिजिटल कार्ड को लॉन्च किया है, तो अर्ली सैलरी नाम की कंपनी ने हाल ही में NPCI और रूपी के साथ में मिलकर ये जो जीरो टच डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है इसका नाम है सैलरी कार्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैलरी कार्ड नाम से उन्होंने इस कार्ड को लॉन्च किया है जिसमें कि बिना टच किए ही डिजिटल पेमेंट्स को किया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो एक टर्म हमने यूज़ किया है, चूँकि इस अर्ली सैलरी ने NPCI के साथ मिलकर इस कार्ड को लॉन्च किया है, तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आप देखोगे तो देखो ये पूरी बात लिखी है earlysalary.com की तरफ से, अर्ली सैलरी इन कोलेबोरेशन विद NPCI लॉन्च्ड सैलरी कार्ड अ जीरो टच डिजिटल कार्ड पावर्ड बाय रूपी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको और समझनी हैं कि इस कार्ड को किसकी किसकी मदद से लॉन्च किया गया है, ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो अलग से आपको समझना है कि इस कार्ड को उन्होंने NPCI और रूपी के साथ में मिलकर इस कार्ड को उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है सैलरी कार्ड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में एक आतंकवादी रोधी एक्सरसाइज जिसका नाम है सुरक्षा कवच को आयोजित किया गया है, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि हाल ही में भारतीय सेना, देखो एक्सरसाइज की अगर बात करी जाए तो नॉर्मली आपने दो देशों के बीच में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, बहुत दिनों के बाद में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें कि भारतीय सेना और भारत के किसी राज्य की पुलिस के साथ में एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के साथ में शुरू करी गई है, इसका नाम है सुरक्षा कवच, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक आप फोटो भी देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है कि इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेस एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच। तो ये जो एक्सरसाइज है ये एंटी टेरर एक्सरसाइज है, तो जिसको भारतीय सेना और मुंबई पुलिस के साथ में शुरू किया गया है। अब इसमें भारतीय सेना के कौन से डिवीज़न ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न 41 आर्टिलरी डिवीज़न ऑफ सदर्न कमांड के द्वारा इस एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है। इसको लूला नगर पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न बनेगा chess.com के 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पियनशिप का खिताब किस देश के किस खिलाड़ी ने जीत लिया है, तो आंसर हो जाएगा निहाल सरीन। इंडिया के निहाल सरीन ने chess.com के 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निहाल सरीन इज द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हो लिखा है निहाल सरीन इमर्जेस विनर इन द chess.com's 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैम्पियनशिप,
इंडिया के निहल सरीन ने इसको जीत लिया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप यू क्लियर द डाउट। अगला शानदार क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को हर साल 14th of October को ई वेस्ट डे मनाया जाता है। इस बार इसका तीसरा संस्करण मनाया गया है, ई वेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 की अगर हम इसकी थीम की बात करी जाए तो वर्ष 2020 की जो इसकी थीम है वो है एजुकेशन। इसमें आप समझेंगे, इसमें देखो लिखा है कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ष 2020 की जो थीम है वो है एजुकेशन। एजुकेशन इसकी थीम है और ई वेस्ट के लिए आपको ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग कुछ दिवस वाले क्वेश्चंस का रिवीजन करें तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। साथ ही साथ में 24 अगस्त से 28 अगस्त को इस बार क्या मनाया गया था, वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन था रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। वरिष्ठ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। राजीव गांधी की जो एनिवर्सरी है उस दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद में भारत का जो इस बार स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त 2020 को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 12 अगस्त को ही इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है ये, और इस वर्ष की जो थीम है वो है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये वर्ष 2020 की इंटरनेशनल यूथ डे की थीम भी है। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत देश को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें देखो लिखा है, ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडिया री इलेक्टेड, यानी कि पहले से भी प्रेसिडेंट रहा है और री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फ्लेक्स पे के रूप में UPI आधारित क्रेडिट विकल्प लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा VVFi इंडिया फाइनेंस। VVFi इंडिया फाइनेंस ने हाल ही में फ्लेक्स पे नाम से एक UPI बेस्ड क्रेडिट विकल्प लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो VVFi इंडिया है उसने लॉन्च कर दिया है UPI बेस्ड क्रेडिट ऑप्शन फ्लेक्स पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं फ्लेक्स पे, इस तरीके से इसने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके प्यार देना ना भूलिएगा। और एक आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि भारत में रक्षा सहयोग के तहत किस देश को अपनी एक पनडुब्बी को, जिसका नाम है INS सिंधु वीर को, लीज पर देने की घोषणा करी है? इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन थैंक यू।